दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुलाब के पौधे का बोनसाई किस तरीके से बनाया जा सकता है। दोस्तों ये जानकारी मैं नहीं दूंगा, ये लंदन से मिक बोनसाई चैनल है, आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उनकी वीडियोस मोस्टली इंग्लिश में होती है क्योंकि लंदन में वो रहते हैं और वीडियो इंग्लिश में बनाते हैं, लेकिन ये उनकी फर्स्ट वीडियो हिंदी में है। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, एंजॉय करें। और दोस्तों इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिक बॉन्साई को भी। हेलो, मैं इकबाल खान हूँ और मेरे चैनल का नाम है मिक बॉन्साई। ये वीडियो हम ओसम गार्डन के साथ कलेबोरेशन में बना रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश रोज़ यानी अंग्रेज़ी गुलाब के पौधे को कैसे बोनसाई बनाया जाता है और उसकी केयर कैसे करनी है, क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। इसलिए आप सारी वीडियो ज़रूर देखें। ये पौधा है डेविड ऑस्टिन रोजेस शार्लेट वैरायटी और मैंने इसे 38 पाउंड में यहाँ लोकल नर्सरी से ख़रीदा। ये पौधा मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। इस पौधे को मैं 360 टर्न करता हूँ और आप इसे पूरा देख सकते हैं हमारे काम शुरू करने से पहले। और यह ये था फ्रंट जहाँ से हमने शुरू किया था और ये है जहाँ ये मिट्टी से बाहर निकलता है। अब हम इस पौधे को इस प्लास्टिक पॉट से निकालेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसे यहाँ से निकालूँ, लेकिन मुश्किल हो रहा है। सो पहले कुछ मिट्टी निकालें यहाँ से और उसके बाद इसे खींचने की कोशिश करेंगे। हमने इस पौधे को गार्डन सेंटर की जो पॉट थी, बड़ी प्लास्टिक पॉट थी, गमला था, उससे निकाल लिया है और अब आस्ते आस्ते से ये रूट हुक है उसके साथ ये जो सॉइल है वो निकाल रहा हूँ मैं। और इसे बहुत ही आस्ते से करना चाहिए और मैं इसे अंगूठे और पहली उंगली में पकड़ कर ऐसे कर रहा हूँ। अगर जहाँ फंस जाए तो वहाँ से जो इसकी जड़ें हैं वो नहीं टूटेंगी, क्योंकि मेरा जो अंगूठा और उंगली है वो स्लिप हो जाएगा ऐसे ऐसे तरह से। और इसे बड़े आराम से प्यार से करना पड़ता है। अगर खींचा ज़्यादा तो जो ये जड़ें हैं ये टूट जाएंगी। तो ये मैं करता हूँ और आगे टाइडी अप करके कैचअप करते हैं। इसका प्रोग्रेस हो रहा है और आप देख सकते हैं कितना काम हो चुका है और कितनी मिट्टी निकाल ली है। और ये जो जड़ें हैं इनको तोड़ने के बगैर ये मिट्टी जो है निकाली जा रही है, और साइड से और नीचे से भी हमने काफ़ी मिट्टी निकाल ली है और इसे टर्न टेबल पर रखा हुआ है ताकि प्लांट को डिस्टर्ब करने के बगैर हम इसे घुमा सकें। अब मैं ये सिंगल रूट हुक, जड़ों की जो हुक है वो यूज़ कर रहा हूँ और इससे भी काफ़ी आसान हो जाता है काम, क्योंकि ये फंसती नहीं। अगर जो तीन वाली हुक है, ये वाली, ये फंस जाती है, ये फंसती नहीं है। सो इससे काफ़ी आसान से ये काम हो जाता है और मिट्टी जो है आप देख रहे हैं कैसे निकल रही है। और ये जो हरी हरी गोलियां हैं ये फर्टिलाइज़र है और ये सब हम निकाल कर नई मिट्टी डालेंगे और नया फर्टिलाइज़र डालेंगे। वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम डालने लगेंगे। और ये मैं करता रहूँगा और जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे कैचअप करेंगे। हमने ये सारी मिट्टी निकाल दी है और जड़ों को भी साफ़ कर लिया है और हम थोड़ा सा रूट प्रून करेंगे, पहले इन जड़ों को स्प्रेड आउट करके रेडियल फैशन में, और इन्हें थोड़ा सा कट करेंगे। जब बोनसाई बनाते हैं
तो जो पहली बार जो है रूट प्रून होती है, और उसके बाद हर 2 साल के बाद जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसकी रूट प्रूनिंग करते हैं। तो इस बार हम नीचे से, तो मैंने टैप रूट निकाल दी है, और ये साइड से जो है, यहाँ से ये जो जड़ें हैं ये हम काटेंगे यहाँ से। और इसे रेडियल फैशन में, जैसे बाइसिकल की तारें होती हैं टायर की, रेडियल फैशन में इसे रूट्स को काटेंगे। और क्योंकि ये रूट्स लंबी हैं और जो बोनसाई पॉट है, गमला है, उसमें ये फिट करनी है। तो एक बार और इन्हें स्प्रेड करके देखें, अगर कोई रह गई है तो उसे भी काट देंगे। अब ये बिल्कुल रेडियल फैशन में हो गई है, क्योंकि मैंने काफ़ी मिट्टी निकाल ली है। ये रूट्स जो हैं अब एक्सपोज हो गई हैं, और इससे मैं स्प्रे करूँगा ताकि ये जो जड़ें हैं ये सारी गिली हो जाएं। और पीछे वाली जो साइड जो है वहाँ से भी। अच्छा, ये अब जड़ें गीली हो गई हैं। गमले के हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली तो ये है, ये चाइनीज़ गमला है, बोनसाई पॉट, और इसमें हम इस गुलाब के पौधे को रखते हैं। और इस अगर हमें ये गमला यूज़ करना है तो इसे टैप रूट जो है और हमें छोटी करनी पड़ेगी। तो और ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एंगल पर हमें इसे पॉट करें, ऐसे करें या ऐसे करें, या ये वाला फ्रंट हो। तो ये हम डिसाइड करके बाद में डिसाइड करेंगे। पहले तो हमें पॉट चूज़ करना है। और दूसरा जो पॉट है, गमला है, वो मैं अभी लाता हूँ। हमने डिसीजन लिया है कि ये गमला जो है ये यूज़ किया जाए, क्योंकि गुलाब के जो जड़े हैं उन्हें डूंगा जो गमला है वो सूट करता है। और इस गमले को हमने तैयार किया है। ये गमला चूज़ करने के बाद हमने इसके अंदर ये वायर मेश लगाई है, और उसके ऊपर ये बोनसाई वायर से ये क्लिप बनाया है, और इसे यहाँ सिक्योर किया गया है। और इसके अंदर पहले हम डालेंगे क्रश्ड लावा रॉक। ये भी चाइना का इंपोर्ट है। आप क्रश ब्रिक्स भी लगा सकते हैं, लोकल ग्रेट पेबल्स भी लगा सकते हैं अंदर नीचे। ये काला जो है लावा रॉक, ये हम गमले में डालेंगे नीचे, जो वायर जो है उसके ऊपर। और इसका 2 फायदे हैं। एक तो जो बंजाई मट्टी है, सॉइल मिक्स जो है वो नहीं निकलेगी नीचे से जब पानी करेंगे, और दूसरा जो है गमले के नीचे पानी इकट्ठा नहीं होगा, इससे ड्रेनेज जो है, पानी जो है जल्दी से निकल जाएगा और नीचे नहीं बैठेगा। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये बोनसाई सॉइल मिक्स जो मैंने बनाई है। इस रोज़ प्लांट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जॉन इनेज नंबर 3 कॉम्पोस्ट और हॉर्टिकल्चरल ग्रेड फाइन बार्क। और उसमें मैंने डाला है ऑर्गेनिक चिकन मन्योर। ये आप प्योर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं अपने मुल्कों में, और या तो गोबर डाल सकते हैं। ये जो पाइन बार्क है, इसका ये फ़ायदा है कि इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं और आस्ते आस्ते रिलीज़ होती है। इसे हम अब सेंट्रलाइज करेंगे और सीधा रखेंगे। इसे सीधा करना है थोड़ा सा। अब हम और मिट्टी डालेंगे, ये जो मिक्स बनाई हुई है, और इससे हम पॉटिंग कंप्लीट करेंगे। आपने देखा था कि हमने काफ़ी मिट्टी निकाली थी जड़ों से, और अब जो है ये चॉपस्टिक से हम मिट्टी जो है वापस जो
निकाली थी जिस जगह से, वहाँ हम ये चॉपस्टिक से मिट्टी वापस रिप्लेस कर रहे हैं। अगर ये ना करें तो वहाँ एयर पॉकेट्स रह जाते हैं और हवा जो की वजह से जो जड़ें सॉइल के साथ मिट्टी के साथ कांटेक्ट नहीं होता तो वहाँ वो जो जड़ें हैं वो मर जाती हैं, और अगर ज़्यादा एयर पॉकेट्स हों, ज़्यादा जड़ें मर जाएं तो उससे प्लांट भी मर सकता है। तो इसलिए हम जब बोनसाई बनाते हैं ये चॉपस्टिक का यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास करके अगर आपने काफ़ी जड़ों से मिट्टी अलग की हो, मिट्टी निकाली हो, तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही ज़रूरी है। और जो मिट्टी जो है सिंक हो रही है, अंदर जा रही है, जो रूट के अंदर जो गैप्स जो थी, जगह जो थी वो फिल हो रही है, और ये मैं ख़त्म करके आगे फिर हम कैचअप करते हैं। अब हम और बोनसाई सॉइल मिक्स डाल रहे हैं इस गमले में, और उसके साथ एक और लेयर बनाएंगे चिकन पैलेट्स का। अगर आप गोबर यूज़ कर रहे हैं तो गोबर का सॉइल में मिक्स कर देना आसान है, सो उसे जब सॉइल मिक्स बनाएं तो उस वक़्त आप गोबर जो है उसमें मिक्स कर दें, तो ये जो प्रोसेस है आपको नहीं करना पड़ेगा। ये हम कर रहे हैं कि यहाँ हमें गोबर नहीं मिलता तो हम ये चिकन पैलेट यूज़ करते हैं। ये प्लांटिंग जो है हम ख़त्म करेंगे, इस मिट्टी को दबाकर फर्म करेंगे ताकि पौधा जो है इसमें हिले नहीं। इस पाइन बाग से हम फाइनल लेयर लगाएंगे, और इसका फ़ायदा ये है जो इसमें वीड्स लगेंगे उन्हें निकालने में बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो ये फाइनल लेयर जो है लग गया। और इसे भी फर्म करके ख़त्म करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा टाइडी अप करेंगे। ये ब्रांच जो है, ये टहनी जो है, ये मर चुकी है, तो इसे हम ब्रांच कटर से निकाल देंगे। और ब्रांच कटर का फ़ायदा ये है, बिल्कुल इसे लाइन में काटता है और कोई एक्स्ट्रा जो है नॉब नहीं रहता। तो ये हो गया, और अब हम इसे पानी देंगे क्योंकि जो मिक्स है वो सूखी है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है लेकिन इतना नहीं, तो जिससे कि ये रोज़ प्लांट सर्वाइव कर सके। तो इसे हम पानी देंगे जब तक नीचे से पानी निकलना ना शुरू हो जाए, तब तक हम इसे पानी देते रहेंगे। और ये बोनसाई हर बोनसाई पॉट के नीचे चेक होते हैं, होल होते हैं, जिससे जिसमें से एक्सेस जो ज़्यादा पानी जो है वो निकल जाता है, और नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया है। ये गुलाब का पौधा बोनसाई बन गया है इस न्यू गमले में, और ये काफ़ी अच्छी तरह से इसे मैच कर रहा है। इसका रंग जो है, ये जो इसकी टहनियाँ हैं इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, और ये जो गुलाब का पौधा है इसे लगेंगे हल्के हल्के कप शेप की तरह के पीले गुलाब के फूल, और वो अपडेट हम करेंगे जब इसके फूल निकलेंगे। और ये जो इससे हम प्रून नहीं कर रहे इस वक्त, क्योंकि ये जो शाखें हैं, टहनियाँ हैं, छोटियाँ छोटियाँ हैं, और जब ये लंबी हो जाएंगी तब हम इसे कट करेंगे, प्रून करेंगे, और जब हम इसे छोटी करेंगे तो जो शाखें, जो टहनियाँ जो रहेंगी बाकी वो मोटी होंगी, और इसलिए हम बोनसाई में इसे इन्हें पहले बड़ा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे प्रून करते हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे देना चाहता हूँ ये कि ठंडे मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में इसे
सूरज में रखना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए जहाँ इसे सारा दिन सूरज मिले। और गर्म मुल्कों में, मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे मुल्कों में जहाँ गर्मी बहुत होती है, इसे रखना चाहिए सेमी शेड जहाँ इसे छाँ मिले, और कम से कम 4 घंटे धूप, मॉर्निंग सन, सुबह की धूप या शाम की धूप मिले। और इसे जो बोनसाई सॉइल है इसे ड्राई नहीं होना चाहिए, इसे हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए। और विक्सचर जो हमने बनाई है ये क्विक ट्रेनिंग है और ये ओवर वाटरिंग का चांस बहुत ही कम है। और मैं इसे क्विक 360 दूंगा सो आप इसे चारों तरफ से देख सकें। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा डेविड ऑस्टिन शार्लेट रोड वैरायटी रोज़ का जो पौधा है, बोनसाई बन गया। मैं इकबाल खान वेस्ट लंदन से बोल रहा हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे होस्ट ओसम गार्डन उनको भी सब्सक्राइब करें, और हमारी मेक बोनसाई का जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, ये थी इनकी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी प्लांट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।